सो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर शॉर्ट वीडियो। शॉर्ट क्या है, थोड़ा बहुत लॉन्ग ही हो सकता है। आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय एनी इंडियन रिव्यूअर द मोस्ट अवेटेड फ्लेवर ऑफ माय लाइफ टाइम द टैंजियर्स। भाई साहब देख लीजिए, टैंजियर्स इंडिया में आ गया है। कैन यू रियली बिलीव, मैंने तो सोचा था, मेरे वाइफ से डिस्कस किया था बेसिकली कि क्या टेंजिस कभी इंडिया में आएगा कि नहीं पता नहीं। चलो यार भाई, जाते हैं यूएस में, टिकट विकेट लगाते हैं। या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो क्लाइंट साइड मिल गया तो सार्किस के साथ बैठेंगे, वहाँ पे बैठ के हम सार्किस टेंजिस तो पिला ही देगा मुझे वहाँ पे, लाइफ में एक बार टेंजिस एक्सपीरियंस करेंगे। बट वॉट परफेक्ट स्टफ इज डन मैन, वॉट परफेक्ट स्टफ इज डन। टेंजिस ला के दिखा इंडिया में, टेंजिस द मोस्ट फेमस डार्क टोबैको ब्रांड अराउंड द वर्ल्ड, कंज्यूम्ड बाय एवरीवन फ्रॉम रशियंस, सीधा जाओ ऐसे वेस्ट में टू अमेरिकास, मिडिल ईस्ट में भी करते, नीचे इतना आता नहीं, बट ऐसे ऐसे पूरा कंज्यूम करते। वेरी वेरी फेमस डार्क टोबैको ब्रांड फॉर द ट्रू हुक्का लवर, फॉर अ वेरी पैशनेट हुक्का लवर, लिटिल बिट फॉर द बिगिनर्स, बट प्रोज लोग के लिए यही चलता है टेंजिस। कभी सोचा नहीं था इंडिया में आ जाएगा टेंजिस। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर पफ एंड स्टफ टू ब्रिंग दिस टू इंडिया, इट वॉज नॉट ईजी। डार्क टोबैको के अलग ड्यूटी चार्जेस होते भाई, बर्ली टोबैको, वर्जिनिया टोबैको, अलग अलग ड्यूटी चार्जेस होते, फिर भी इंडिया में आ गया। आई कैनॉट बिलीव, दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, द टेंजिस हैज ड्रॉप्ड इन इंडिया। और हमने मंगाए हैं दो फ्लेवर, बिकॉज बाकियों को भी चाहिए रहता है, राइट? हमने मंगाए हैं टेंजिस, देख लीजिए सामने से, टेंजिस केन मिंट, I'll let you know. और कश्मीर टेंजिस, कश्मीर ग्वाजावा, ये बाद में रिव्यू करेंगे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, थोड़ा बहुत टेंजिस का बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी है। बाहर के लोगों ने दिया है, बट वो कबस थोड़ा अच्छी तरीके से देगा आप लोगों को। टेंजिस के बहुत सारे लाइन आते हैं, अगर आपने जोमो पिया है तो जोमो में आपको पता है स्ट्रॉन्ग लाइन आता है, एक कुछ वर्ल्ड लाइन भी आता है, कुछ एक स्पोर्ट्स लाइन, कुछ कुछ आता है, बहुत अलग अलग टाइप के बाहर के टोबैको उसका लाइन्स होता है अलग अलग, ठीक है। लाइन मतलब एक काइंड ऑफ मेकिंग प्रोसेस में डिफर करता है, फ्लेवरिंग भी डिफर करता है, टोबैको क्वालिटी भी डिफेंड करता है। वैसे आप देख सकते हैं दोनों टेंजिस है, बट एक पीला है और एक है व्हाट यू कॉल दिस, वायलेट कलर का। नाउ टेंजिस हैज बेसिकली, लेट मी गिव एन इंट्रोडक्शन, इट्स एन अमेरिकन फ्लेवर, बट टेंजिस हैज बेसिकली फोर लाइन्स राइट नाउ। द फर्स्ट लाइन इज द नॉयर लाइन, जो ये पीला वाला है। द सेकेंड इज बरकूक, जो हमारे पास है नहीं, वो ग्रीन कलर का आता है ऐसे बैंड में। थर्ड है एफ लाइन, जो एक आइटम थोड़ा ऑरेंज टाइप का रहता है। एंड द मोस्ट हार्डेस्ट फ्लेवर ऑफ देम ऑल, द बर्ली लाइन, द केन मिंट जो हमारे पास है। टेंजिस इज अ डार्क टोबैको, अनवॉश टोबैको, अनवॉश टोबैको ब्रांड मतलब वो टोबैको फॉर्म में हम लोग वर्जीनिया क्या करते हैं, धो धो के गर्म पानी से धो धो के उसका निकोटिन कॉन्सेंट्रेशन निकालते, कुछ कुछ बीमारी बन जाते, कुछ अफसल बन जाते, कुछ अल्फा कर, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग क्वालिटी होता है कि कितना निकोटिन कॉन्सेंट्रेशन रखना है, कितना वॉश करना है, उस हिसाब से टेस्ट और निकोटिन का जो लेवल है वो डिफर करता है। बट टेंजिस लोग वॉश नहीं करते, टेंजिस भाई साहब लोग दे वॉश बट उतना नहीं, वो अपना निकोटिन परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन का जो परसेंटेज है वो मेंटेन करके रखते हैं। उसमें से जो नॉयर लाइन है, थोड़ा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, वरना आप खरीदेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कैसे लेना है, कौन सा वाला लाइन लेना है। जो नॉयर लाइन है, जो ये येलो कलर का दिख रहा है आपको, टेंजिस नॉयर लाइन है, वो थोड़ा सा वॉश किया हुआ है और थोड़ा मॉडर्न टोबैको के जैसा है, बट इट इज स्टिल अ डार्क टोबैको, स्टिल द मोस्ट हाइएस्ट निकोटीन। दूसरा एक आता है बरकूक जो है वो थोड़ा स्मूथ है, थोड़ा बिगिनर ब्लॉन्ड जैसा नहीं है, डार्क टोबैको है, थोड़ा बिगिनर लेवल पे है। एंड दैट कैन बी, दैट इज रिकमेंडेड बाई टेंजिस टू स्मोक, लाइक टू बी लाइक सो दैट बिगिनर्स कैन ऑल्सो स्मोक टेंजिस। थर्ड एफ लाइन एक थोड़ा कैफीन टाइप होता है, कैफीन टाइप वो लोग टोबैको बनाते हैं और अलग अलग फ्लेवरिंग मिक्स करते हैं, बट ओवरऑल कैफीन जैसा टेस्ट आता है उसमें। एंड द मोस्ट ट्रेडिशनली नॉन वॉश टोबैको इज द बर्ली, दिमाग खराब हो जाएगा ये टोबैको, मैं एक बार पी चुका हूँ दोपहर को, वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट रिव्यूइंग इट, लाइक आई एम नॉट स्मोकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट मैं एक बार पी चुका हूँ सो दैट आई डोंट डोज ऑफ इन द वीडियो। टेंजिस से मुझे बहुत डर लगता है, बहुत लोगों ने मुझे डरा के रखा है, भाई पूरा मत पी, भाई सिंगल मत पी, भाई ऐसा मत पी, भाई वैसा मत पी, भाई पीने के पहले 1 किलो खा ले,
तो इतना डराएंगे तो डरेंगे ही नहीं, जो सालों से फिर अगर वो ऐसा बोलने लगे तो फिर डर तो लगेगा ही। दोपहर को मैंने पिया 60-40 कॉन्सेंट्रेशन में, 60 डाला केन मिंट और 40% मैंने डाला मज़ा आया ब्लूबेरी। एक काम करता हूँ, आपको मैं टेंजिस का बता ही देता हूँ रिव्यू नीचे। सो हम लोग कैमरा डाउन करके सोचा मैंने एक बार टेंजिस को देख ही लेते हैं। तो मैंने इसको डब्बे में क्यों पैक किया, बिकॉज खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये जो है ये है टेंजिस केन मिंट बर्ली, थोड़ा सा क्लोजअप से दिखा देता हूँ, क्लियर आएगा। देखिए कितना काला कलूटा स्मॉल कट टबैको है, इसमें सरप्राइजिंगली मुझे स्टेम्स नहीं मिले बिल्कुल भी। और ये 250 ग्राम का पाउच था, बिल्कुल ऐसे ही पाउच था जिसको मैंने खोल के यहाँ पे डब्बे में रख दिया है। ये जो स्विगी जोमेटो वाले डब्बे होते हैं ये इसके लिए काफ़ी परफेक्ट होता है। टेंजिस को आप कभी खरीदेंगे तो इस पैकेट में वापस घुसा के मत रखिए, इट्स अ बैड प्रैक्टिस। ऐसा कोई होता है ना स्विगी जोमेटो वाले डब्बे होते हैं उसमें रखिए। आप देखिए नॉर्मल साइज़ का डब्बा है और 250 ग्राम पूरा ही इसमें आ गया है। और टेंजिस को थोड़ी हवा चाहिए रहती है, थोड़ा बहुत एक्लेमेशन एक चीज़ होता है टेंजिस में, उसको वो चाहिए रहती है। और यहाँ पे वो आराम से फूलता है और फ्लफ होता है, तो वैसे मैंने रखा। देखिए टबैको इज सो फ्लफ। एंड ये वाला जो है कश्मीर ग्वाजावा, इसको भी मैं रिव्यू करूंगा बाद में, बट आई वांटेड टू रिव्यू द मोस्ट फेमस टेंजिस फ्लेवर्स इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट सेलिंग फ्लेवर इन द वर्ल्ड व्हिच इज द केन मिंट। इसको मैंने खोल के डब्बे में रख दिया है। केन मिंट बहुतों के हाथ में नहीं आया इंडिया में, होकर बस बीइंग द फर्स्ट, मतलब पिया है बट नॉट इन द विजिबल इंस्टाग्राम यूनिवर्स। तो इसको मैं क्या करूँगा, ये बर्ली टोबैको है केन मिंट का, ठीक है। दिस विल गिव मी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बज, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा पीते हुए कि कैसे लग रहा है। सो ऑल्दो मैं भी डार्क टोबैको काफ़ी अच्छे से पी लेता हूँ, आई हैव नो इश्यूज, बट आई डोंट रिकमेंड इफ़ यू आर अ बिगिनर हु ओनली स्मोक्स अफजल एंड अल्फाकर, डोंट टेक टेंजिस। अगर बर्ली होगा या कोई भी ये होगा, हाँ उसको आप 30% से स्टार्ट करना, डोंट गो फॉर 100% टेंजिस, वो आपको फुली नॉकआउट कर सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा बीमार कर सकता है, बिकॉज इज अ डार्क टबैको, इसमें बहुत ज़्यादा निकोटीन होता है, ठीक है। तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा यू नो हाई फील करेंगे और बीमार भी फील कर सकते हैं। एक 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 लेवल तक हाई सही लगता है, बट एक लेवल के बाद जब आप बर्दाश्त नहीं कर पाते उस हाईनेस को, देन यू बिकम लाइक यू रियली फील सिक एंड इट इज़ नॉट गुड, ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट गुड द वे इट मेक्स, मतलब जो निकोटीन से जो सिकनेस होता है वो बहुत बेकार होता है, ठीक है। सो एक लेवल तक ही सही है, और अलग अलग लोग अलग अलग टाइप का निकोटीन का परसेंटेज बर्दाश्त कर सकते हैं। सो मैं रिकमेंड करूँगा फॉर नॉर्मल पीपल स्टार्ट विथ 30 से पीते जाइए, ठीक है। और स्लोली स्लोली इंक्रीज, आपको 30 से पता चलेगा कि ये स्ट्रांगनेस आपको चलेगा या नहीं चलेगा, आपको पता चलेगा। From 30 to move to like I would say 45, 50, ऐसे मूव करके 100 पे जाइए। इट विल टेक सम टाइम, मे बी अ मंथ और सो। अगर आप रेगुलर टेंजिस इंडिया में आने लग गया तो यू हैव अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस, वेरी गुड लाइक अमाउंट ऑफ टेंजिस टू प्रैक्टिस। अदरवाइज आप, मैं बोलूँगा 30-50 में ही खेलो ज़्यादा दिन। और जब आपको लगे कि किक नहीं लग रहा है, बिकॉज टेंजिस का जो बॉडी कैसे फंक्शन करता है, बॉडी जो होता है वो आपका निकोटीन टॉलरेंस, एक लेवल ऑफ टॉलरेंस होता है निकोटीन की। मैं 5% बर्दाश्त कर सकता हूँ इजिली, मुझे कुछ नहीं होता, कि मैं 3% बर्दाश्त कर सकता हूँ मुझे कुछ नहीं होता। तो सभी का बॉडी अलग होता है, एंड यू शुड नॉट हुकअप इज डजन रिकमेंड मोर देन 30% फॉर बिगिनर्स, ओके। अगर आप खुद को प्रो समझते हो फिर भी 50% के ऊपर मत जाना, डोंट गो फॉर 100%, ओके, फ्रॉम स्टार्ट। दैट इज द कॉशन दैट हुकअप इज वॉन्टेड यू टू लिसन टू बेसिकली। तो मैं वही करूंगा, आज मैंने ले लिया है दुनिया का सबसे परफेक्ट बोल, द परफेक्ट बोल, द मेसन हीलिक्स V2 बोल, इसी के लिए तो खरीदा था मैं। कभी ना कभी इंडिया में टेंजिस आएगा और मैं इसे इसमें पीऊंगा। इट टेक्स, और ऐसे बोल्स क्यों रिकमेंडेड होते हैं, बिकॉज इनका जो वेद होता है, ये मेसन का हीलिक्स बोल या फिर मेसन का ग्रेविल बोल, या मैं बोलता हूँ कोई भी OG बोल में पियो, ये बोल क्यों रिकमेंडेड होता है। अगर आपके पास अल्पाका मिनी रुक है तो दैट्स द बेस्ट बोल, इवन इफ यू हैव अल्पाका सूरी दैट्स अ गुड बोल। कोई भी बोल जिसका ये जो वेद होता है ये अगर छोटा है, ठीक है, दैट इज अ टबैको सेविंग बोल। इसमें टेंजिस 18-19 ग्राम, बिकॉज टेंजिस को हमको पैक करना रहता है, डेंस पैक करना रहता है। डेंस पैक इज़ वेरी वेरी इजी,
कुछ नहीं करना है, चम्मच से डाल डालना है बस। फ्लफ पैक में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, डेंस पैक इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, मैं 60-40 करूँगा बिकॉज मैंने 60 पिया है एंड आई नो कि 60 में मुझे इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट इट इज़ नॉट आउट ऑफ कंट्रोल, ओके आई कैन एन्जॉय। और मैं आपको टेंजीज पीने का तरीका भी बताऊंगा, कैसे आपको पीना है, कैसे पैक करना है वो भी बताऊंगा। और दिस इज़ बेसिकली केन मिंट मतलब मुझे तो स्मेल आ रहा है इसमें, एक बहुत ही अच्छे लेवल का मिंट है, नॉट एग्जैक्टली गम, बट इट्स अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग मिंट, नॉट एग्जैक्टली गम, गम का एग्जैक्टली टेस्ट नहीं है इसमें, इट्स नॉट गम मिंट, बट बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग मिंट है। एंड केन स्टैंड्स फॉर शुगर केन, मे बी इट्स अ शुगर केन मिंट, बट आई डोंट नो इफ देर इज समथिंग कॉल्ड शुगर केन मिंट ऑल्सो। तो मैं क्या करूँगा, फटाफट इसमें मैं 60% टेंजीज पैक करूँगा। सो आई विल शो यू हाउ टू पैक इन दिस टेंजीज। सो कोई मेजरमेंट नहीं करना है मुझे इसमें, बिकॉज आप देख सकते हैं इस वाले डब्बे में मैंने काफ़ी अच्छे से इसको फ्लफ कर दिया है ऑलरेडी। टेंजीज मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, डिटेल में देखिए, वरना यू विल नॉट एन्जॉय टेंजीज। मैं एक बार पी के चुका हूँ, जनरली मैं जब रिव्यू करता हूँ तो डायरेक्ट ही फर्स्ट रिस्पॉन्स देता हूँ, बट टेंजीज के लिए मुझे एक बार पीना पड़ा। आई लिसन टू समवन्स एडवाइस एंड पीना पड़ा बिकॉज आई डिडंट वॉन्ट टू यू नो मेक दिस वीडियो रॉन्ग और मिसलीडिंग, या फिर जो आपके लिए कारगर ना हो, ऐसा वीडियो बना के कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो एक बार मैं पिया हूँ, आई अंडरस्टूड द स्ट्रेंथ ऑफ द परसेंटेज आई एम टेकिंग इन एंड आई एम रिस्पॉन्सिबली डूइंग इट बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा, देखिए आप यहाँ पे पहले से फ्लफ हो गया है, यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, ऐसे लेना है, और जनरली लोग ऐसे ही करते भाई, इसमें मेजरमेंट नहीं करना है बिकॉज बोल का पैक कर सकते हो, बट वो मेजरमेंट फ्लफ में ठीक है। तो बेसिकली इसमें मैं 60% के आसपास भरने का ट्राई करूँगा, ऐसे चम्मच से लेना है, और बिकॉज डेंस पैक है ना, इसमें कोई फ्लफ पैक वाला सिस्टम नहीं है। लोग सीमेंट पैक भी करते हैं, बट डेंस पैक में अच्छा चल गया था भाई, 3 घंटा मेरे चल गया था। तो मैं ऐसे 60% भरता हूँ या फिर ज़्यादा लूँ, लुक्स लाइक 60%, नो मे बी थोड़ा बहुत, और देखता हूँ थोड़ा निकालना पड़ेगा शायद, बहुत महंगा है, थोड़ा सा आराम से करते हैं यूज़। और ये हो गया ऑलमोस्ट डेंस, लोग इसको सीमेंट पैक करते हैं, बट डेंस पैक करोगे तो भी मेरे हिसाब से अच्छा चला था, बट आगे आगे देखते जाएंगे कि सीमेंट पैक में कुछ ज़्यादा कारगर है या डेंस पैक में। और मैं इसे बेसिकली सीमेंट पैक नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग अ प्रोवोस टूडे, आई एम प्लानिंग टू यूज़ द माई ओडमन वीनस HMD हियर, बिकॉज ये वाले क्या होता है प्रोवोस्ट में मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे परफॉर्म करेगा, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टोबैको, आई जस्ट वॉन्टेड टू रिव्यू इट। तो आप क्लाउड में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, और इसको आप कोई भी HMD में यूज़ कर सकते हैं, और प्रोवोस्ट में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, बट मैं इसमें भी अच्छे से परफॉर्म करके दिखाऊंगा आपको। प्रोवोस्ट में डेंसिटी बढ़ जाएगा और टोबैको मुझे इतना ज़्यादा खर्च करना नहीं है। सो मैं इसे ले लिया हूँ करीबन अभी मुझे 70% लग रहा है, थोड़ा सा निकाल देता हूँ। बहुत अच्छी केन मिंट की खुशबू आ रही है, वही मेंथॉल, इसको थोड़ा सा हमको अभी देखिए, मैंने मुझे लग तो नहीं रहा है कि 60, ये 70% जैसा लग रहा है या 65, नॉट एग्जैक्टली, बट चलता है। तो हुकाबज हूँ तो आराम से कर लूँगा बर्दाश्त, बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस मोर ऑफ द केन मिंट एंड गिव यू द रिव्यू। तो मैं इसे अभी सेट कर रहा हूँ ताकि नीचे बैठ जाए, जो HMD है उसके बेस को टच कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, बट आई एम प्लानिंग नॉट टू टच। तो अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा फ्लैट कर देता हूँ यहाँ पे, बट आप कोई भी बोल यूज़ कर सकते हैं, बट प्लीज़ मिट्टी बोल यूज़ मत कीजिए, आई वुड प्रेफर कि आप OG बोल्स यूज़ कीजिए, ठीक है, बट बहुत एंड ट्राई टू यूज़ अ फनल बोल यूज़ कीजिए। अगर आपके पास लेट्स से OG बोल है नहीं बाई चांस, यू वॉन्ट टू ट्राई टेंजीज, आई वुड से डोंट गो फॉर एन HMD, try on a simple foil. Trangis works on a simple foil as well, provost as well, and your HMD as well, cloud ho gaya, nagrani ho gaya, jo bhi aapke paas, you can also work on that as well, okay, and open foil mein pee sakte ho, thoda heat aapko manage karta rehna padega taki usko overheat na ho, theek hai, to open foil bolunga to mitti chale mein mat piyo aur funnel mein hi piyo, बट मेक श्योर आपके पास थोड़ा अच्छा वाला क्वालिटी का लोकल फनल हो। ये नाज फनल मैंने सुना है, देखो अगर वो अच्छा निकलता है तो अच्छी बात है। तो मैंने देखिए मैंने ऐसे पैक कर दिया है,
You can see it very clearly. It is looking absolutely fantabulous. This looks like 70%. Close to 70%. अब आधे वाले जो बाकी परसेंट में, अब मैं इसमें 100% भर सकता था, बट मैंने पिया है 60%. 60% इज माई लिमिट. आई एम गोइंग 10% मोर. 60% में मुझे समझ में आता है, बिकॉज वीडियो बनाना है ना भाई. वीडियो बनाएंगे तो सेंस में रहना पड़ेगा ना. सेंस में ही नहीं रहूँगा तो क्या घंटा वीडियो बनाऊँगा मैं, राइट. तो मैं 60% मेरा लिमिट था वो, और मैंने फिर भी 10% ज़्यादा लिया. अब 30% में मैं एक सेकेंडरी फ्लेवर लूँगा, जो सिर्फ यू केन मिंट इज जस्ट लाइक मिंट मिंट मिंट. तो एक सेकेंडरी फ्लेवर लूँगा. जनरली मैं फ्लेवर्स ऐसे सिंगल ही पीता हूँ, कैसा भी फ्लेवर हो, हाउ एवर इट इज़. बट दिस इज़ एक्चुअली डेंजरस, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग इज़ अ बर्ली टबैको. दिस इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टबैको इन द वर्ल्ड, ओके, लाइक हुका टबैको. तो मैं एक दूसरा फ्लेवर ले लेता हूँ कोई भी. तो मैंने सोचा कि मैं अपना ये मिक्सिंग के लिए थोड़ा सा अपना अफजल लीची और एक रॉयल थोड़ा सा वाइट रोज़ और लीची, शायद थोड़ा अच्छा लगेगा. तो थोड़ा सा वही हम लोग यूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ा अलग सा टेस्ट आए, बिकॉज 100% में नहीं भर सकता. मैं पहले ही बता चुका हूँ 100% में नहीं भर सकता. इसमें थोड़ा अच्छा है वो, तो थोड़ा सा लीची और वाइट रोज को मिक्स भी कर सकते हैं. अब इसको डेंस नहीं करना है इसको आपको एडवांस फ्लफ या फ्लफी करना है. तो दोनों को भाई हमने मिक्स कर दिया ऐसे ऐसे करके, एंड लेट मी स्मेल इट. अच्छा आ रहा है कुछ तो, स्लाइटली डिफरेंट. लीची बहुत ज़्यादा पंजन फ्लेवर है, बहुत ज़्यादा फ्लेवर है उसमें लीची में. तो वाइट रोज उसको थोड़ा शांत कर देगा, एंड इट विल स्मेल अ लिटिल डिफरेंट. दिस इज जस्ट दिस मिक्स इज डोंट आई एम नॉट रिकमेंडिंग बेसिकली दिस मिक्स. दिस मिक्स इज जस्ट सो दैट आई कैन फिल दिस 30%, एंड इट विल टेस्ट अ लिटिल डिसेंट. बिकॉज बना तो सिर्फ मिंट मिंट ही होगा, 100% में पी नहीं सकता, मैं पहले ही बोल चुका हूँ. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज मैं इसको एडवांस फ्लफ करूँगा. एडवांस फ्लफ पैक स्टाइल में पैक कर रहा हूँ, जितना जा रहा है. मेजर तो किया नहीं, जितना इसमें भर रहा है उतना कर रहा हूँ. तो आप देख सकते हैं इसको मैंने एकदम टू द बॉटम रखा है. ये क्लाउड पे, ये जो अपना वीनस है उसमें इतना टच नहीं होगा, बट इसको टच करवाना पड़ेगा बिकॉज ब्लॉन्ड वोंट वर्क वेरी गुड इफ़ यू आर नॉट टचिंग इट विद द HMD बॉल्स और द बेस. तो ये थोड़ा ऊपर साइड रहेगा और इसमें थोड़ा स्पेसिंग रहेगा. तो आप देख सकते हैं एक साइड पैक में डेंस पैक है और दूसरे साइड में आपका एडवांस फ्लफ है. दैट्स अ ब्यूटी. और टैंजिस को मैं मिक्स भी कर सकता था फ्लेवर के साथ, हाथ में जैसे हम लोग मैश मिक्स करते हैं वैसे भी कर सकता था, बट वी आर नॉट अवेयर कि टैंजिस किस किस के साथ मिक्स होता है. तो अगर आपको नहीं पता रहता है कि किस कौन से ये वाले ब्रांड के साथ ये वाला ब्रांड का मिक्स बनता है, अच्छा है. इफ़ यू आर नॉट अवेयर इज ऑलवेज बेटर टू अ सेगमेंट पैक. फ्लेवर थोड़ा कम आता है मिक्सिंग के मुकाबले, बट योर फ्लेवर विल बी सेव्ड. ख़राब नहीं हो जाएगा आपका मिक्स. और वैसे भी ये बर्ली टोबैको है, थोड़ा बहुत ओवरपावर करेगा ही ब्लॉन्ड को, बट एटलीस्ट विल गेट समथिंग डिफरेंट. खाली खाली केनमिंट नहीं आएगा, थोड़ा अलग भी फ्लेवर आएगा, बट वी विल बी एबल टू जज द केनमिंट. सो मेरा पैक रेडी है यहाँ पे. थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर कर दिया है. यहाँ पे केनमिंट है, यहाँ पे है लीची और रॉयल वाइट रोज का मिक्स. तो चलिए काम करता हूँ, तीन कोल बिठाता हूँ, क्विकली हीट करता हूँ मैं, और आपको स्मोक आउटपुट और सबसे बेसिक पीने का तरीका एक्सप्लेन करता हूँ. सो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है, देख सकते कि नहीं. ऊपर उठो भैया. मेसन हीलिंग्स बोल पे हमने लगा दिया है वीनस, और यहाँ पे अंदर है तीन कोल. बाप रे बहुत भारी है. थोड़ा सा दूर रख दिया है बॉल को सेट, एंड लेट्स टेक आवर सेकंड पफ. झूठ नहीं बोलूंगा, सेकंड पफ. क्लाउड देखो भाई साहब, क्लाउड्स. थोड़ा इसको लो सेटिंग पे कर देता हूँ मैं ताकि हीट ज़्यादा ना आए भाई. और एक पफ लेता हूँ मैं. आई गॉट बी ईजी ऑन दिस बाय द वे. यू ऑल्सो इफ यू आर कंज्यूमिंग टैंजिस गो ईजी. मैंने भी एक सैंडविच खाया ताकि मैं इसको बर्दाश्त कर सकूँ, बट शायद दो खाना चाहिए था.
पानी वानी रखो पियो. आई थिंक सो दिस इज़ गोना बी ओके. बट इफ और नॉयर में, नॉयर जो लाइन है येलो वाला, उसमें टैंजिस केनमेंट आता है और ये बर्ली वाले में भी आता है. सो आई वुड से गेट अ नॉयर वाला लाइन. बर्ली थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो सकता है आप लोगों के लिए. सो लेट मी टेक अ पफ एंड आई विल एक्सप्लेन यू द फ्लेवर प्रोफाइल. स्मोक देखो भाई, ऐसे दिखा दो. स्टार्ट से लंबा लंबा ड्रैग मत लेना, इट विल किक यू आउट ऑफ द टेबल और वेर एवर यू आर सिटिंग. फक भाई, बहुत हार्ड चीज है. मैं एक सेटिंग और कम कर देता हूँ. I had to make a video like this. थोड़ा लंबा हो सकता है but इसको थोड़ा इतना छोटे से पफ में देखिए कितना स्मोक आ रहा है. ज़्यादा पफ नहीं लूँगा. इसको जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं पीना है. व्हेन यू आर स्टार्टिंग स्टार्ट स्लो. जैसे थोड़ा ये डाई आउट, जैसे थोड़ा ये डाई आउट होने लगेगा तब यू कैन बेसिकली स्टार्ट पुलिंग हार्ड. बट स्टार्ट में एकदम कम कम ही पफ लेना ताकि आपको पहले ही किकआउट ना कर दे. बिकॉज स्टार्ट में बहुत फड़क 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 चलता है एकदम. एंड दिस इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन टबैको. आराम से मैंने इसको तीन घंटे तक टेस्ट किया है. तीन घंटे तक कोल चेंज करके चल जाता है अच्छे से. फिर भी स्मोक आ रहा था, मैंने रख दिया, बोले बस हो गया. दिस इज इट इज किकिंग इन. पीने में बिल्कुल भी कोई बर्न नहीं है, गले में कोई हार्शनेस नहीं है, कुछ नहीं है. इट्स अ वेरी वेरी फाइन क्वालिटी टोबैको. द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ टैंजेस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट. इवन द बर्ली टोबैको विच इज द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ टोबैको, अनवॉश टोबैको, इट इज स्टिल डजंट हिट योर थ्रोट बाय एनी मीन्स. अनलाइक योर रशियन टोबैको, राइट, इट हिट्स इन योर थ्रोट. फ्लेवर प्रोफाइल की बात करूं तो मुझे लीची जो है उसका मिठास छोड़ दो तो उसके साथ एसेंस होता है वो आ रहा है. कुछ एक फ्लोरल जैसा लग रहा है. ऑब्वियसली इट्स अ बर्ली टोबैको तो ये उसको ओवरपावर कर देगा. बट केन मिंट का बहुत ही ज़्यादा फाइन प्रोफाइल आ रहा है. मिंटी है, इट्स नॉट वेरी वेरी ओवर मिंटी कि आप पी नहीं पाओगे, वैसा नहीं है बिल्कुल भी. बट केन मिंट जो है, मिंट बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा है. इट्स मीडियम कोल्ड, इट्स नॉट टू कोल्ड लाइक अफजल 1001 नाइट्स और अफजल लव सीरीज. इतना ठंडा नहीं है, मीडियम कोल्ड है और बढ़िया है. मतलब मिंट बहुत बढ़िया है इसका. आई एम नॉट अ फैन ऑफ मिंट बट आई एम अ फैन ऑफ दिस काइंड ऑफ मिंट. एंड ट्राइफेक्ट जो मैंने रिव्यू किया था, फील का बताता हूँ. थोड़ा संयम से लेना है इसको. अगर आप पीते हो आराम से पिए, कोई जल्दबाजी मत करें. बड़ा बड़ा क्लाउड निकालने, मतलब बड़ा क्लाउड तो निकल ही जाएगा, ट्राई मत कीजिए. संयम से पीजिए. कीप अ ब्रेक. आई टेक अ पफ अराउंड 3 to 5 seconds में, 4 seconds के आसपास में एक पफ ले लेता हूँ. इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट मेरा पफ होता है. बट आई एम स्टॉपिंग अ लिटिल बिट बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा आउट कर देगा. फील के बारे में बताओ तो फील कैसे हो रहा है मुझे. एक इट इज द किक है, बहुत ज़बरदस्त किक है. बट इट इज़ ग्राइंडिंग इट फ्रॉम हियर. ऐसे 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 करके ऐसे हो रहा है. इट इज़ लाइक ब्लास्टिंग ऑफ फ्रॉम हियर. नीचे से आ रहा है, नीचे से आ रहा है और ऐसे ब्लास्ट ऑफ हो रहा है.
इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ घबराहट तो मुझे तो नहीं हो रहा है घबराहट इसमें, बट यू गेट अ सेंस कि बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है, राइट? इट इज़ एन एन्जॉयबल काइंड ऑफ अ किक, दैट्स वाई दिस इज फेमस. इट्स एन एन्जॉयबल काइंड ऑफ अ किक. यू आर एट अ प्लेस, शांत हो आप एकदम, और आप इसको पी रहे हो, कोई नहीं आसपास, ब्रीज, कुछ मूवी देख रहे हो, कामली बैठ के पियो. दैट्स वाई दिस इज द मोस्ट फेमस टबैको, बिकॉज ये आपको प्योर कामनेस देता है. और झंझनाहट तो हो ही रही भाई, खतरनाक. इट स्लोज यू डाउन अ लिटिल बिट. अलग ही टाइप का मजा है भाई, अलग ही टाइप का मजा फील कर रहा हूं मैं अभी. सो डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग ऑल टुगेदर. मैं धीरे बात कर रहा हूँ तो उसका तात्पर्य कर सकते हैं. धीरे क्यों बात कर रहा हूं मैं? जोमो मैंने पिया था कुछ टाइम पहले, उसमें बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसमें नहीं होता. इसमें देर इज अ झंझनाहट. आई वुड रिकमेंड व्हेन यू आर सिटिंग डाउन, आराम से जगह पे बैठ जाइए और पीजिए, एंजॉय कीजिए, बाद में निकलिए. आराम से टाइम लीजिए, 2-3 घंटा स्पेयर टाइम रखिए. इफ़ यू आर इन अ रश, डोंट स्मोक दिस एंड डोंट गो आउट एंड ड्राइव और वॉक. आई वुड से डोंट कन्वर्स विद पीपल. देख लो क्या पियकड़ो पी के बैठे हो ऐसा लगेगा. बट डेफिनेटली इट हैज़ टू बी डन केयरफुली. मैंने 70% लिया है और मुझे दोपहर से ज़्यादा किक लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा झंझनाहट लग रहा है. ऑल दो मैंने पेट भर लिया सैंडविच वैंडविच खा के, भर पेट पिए, पानी पीते रहे, कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर, 1 लीटर 2 जितना पीना है पिए पानी, तो आप थोड़ा इसको अच्छे से बर्दाश्त कर पाएंगे. मैंने क्लाउड में पिया, आप ओपन फॉल में पी सकते हैं और प्रोवोस में पी सकते हैं. प्रोवोस बहुत ज़्यादा हीट देता है इसमें, इसलिए मैंने अभी नहीं पिया, बिकॉज आई डोंट हैव मच ऑफ एन एक्सपर्टीज इन टेंजीज राइट नाउ. होगा फ्यूचर में कभी, बट दैट्स वाई आई चोज अ क्लाउड काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? बट कमाल है भाई, इट्स वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ऑफ अ हुक्का. टेंजीज अमेजिंग. मैंने ढक्कन निकाल दिया, फिर भी स्मोक देखो. स्मोक देखो भाई, फिनोमिनल स्मोक. यू डोंट हैव टू वरी. मैंने इसको डेंस पैक किया है, फिर भी क्या स्मोक आ रहा है. और अभी मुझे रुकना पड़ेगा, तो मैं रुकता हूँ, अपना टेंजी सेशन इन्जॉय करता हूँ. दिस इज़ टू बी एन्जॉयड इन अ वेरी वेरी काम एनवायरनमेंट. तो चलिए फिर, ये रहा मेरा टेंजीस. उठा पाऊँगा कि पता नहीं. केन मिंट का रिव्यू, थोड़ा हाथ भी कांप रहा है मेरा, बट वन ऑफ एन एक्सपीरियंस. दो टेंजीस हो गया दिन में, इट्स टू मच. मैं तो अपना हुक्का सेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम ले इन्जॉय कर रहा हूँ. आप भी अपना हुक्का सेशन इन्जॉय कीजिए. लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम हुक्का बस्टैंड को भी जाके फॉलो कर दीजिए. मैं आपको मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में. अब तो मैं गया. चलिए, कूडोज परफेक्ट स्टफ, सही काम कर रहे हो, और लाओ.